महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश और लालू प्रसाद यादव में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं। महागठबंधन टूटने से बैकफुट पर आए आरजेडी ने अब नीतीश और बीजेपी को उन्हीं की रणनीति से मात देने की कोशिश कर रही है। नीतीश और बीजेपी की तरह आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों के बहाने नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस के बयान पर सवाल खड़े किए और उनकी मंशा को कटघरे में खड़ा किया। लगभग 75% इनके जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी सीएम, डेप्यूटी सीएम, 75% इनके जो मंत्री हैं वो दागी हैं। किस आधार की नैतिकता की बात करते हैं? कौन सा सिद्धांत? अब कहां अंतरात्मा इनका चला गया? और कितनी बार इनका अंतरात्मा जागता है भाई, और कितनी बार सोता है? ये अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अंतरात्मा को जगाने का काम करते हैं, अपने शरीर के हिसाब से ये जगाने का काम करते हैं। लालू के बेटे तेजस्वी ने नीतीश पर साजिश के जरिए उनकी आवाज को जनता तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने नीतीश पर सदन में उनके भाषण के दौरान उनके भाषण के प्रसारण को रोकने का इल्जाम लगाया। असेंबली में हम बोल रहे थे तो उस दिन लाइव जो टेलीकास्ट होता है वो विधानसभा से काट दिया गया। क्यों? विरोधियों की बात? पूरी देश की जनता ये जानना चाह रही थी कि उस दिन बिहार विधानसभा में क्या हो रहा है। आखिर क्यों जो लाइव टेलीकास्ट जब भी हमेशा होता रहा है, इस बात पर उन्होंने लाइव टेलीकास्ट जो ब्रॉडकास्टिंग होना था वो क्यों काटने का काम किया? हमारे आवाज को क्यों वो जनता तक पहुंचाने नहीं दे रहे? पहले तो कहते थे क्लेरिफाई कीजिए, जनता के बीच जाइए। हमने तो ये भी कहा था कि हम जनता के बीच जाएंगे। विपक्ष में रहते हुए जिस तरह बीजेपी नेता सुशील मोदी लगातार लालू के करप्शन के मुद्दे उजागर करते रहे थे, अब लालू के बेटे तेजस्वी भी उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कैबिनेट में दागी मंत्रियों का मुद्दा उठाते हुए दागी मंत्रियों की पोल खोलने का ऐलान किया। आरके मोदी पे इतना मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मनोज झा जी ने आरजेडी के लोगों ने लगाने का काम किया। महावीर मोदी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितना इलीगल काम इन लोगों ने किया है, गलत तरीके से बिल्डिंग बनाया है, इमारतें, उस पर हम लोग आएंगे, आगे आएंगे। ये जितने मंत्री हैं एक एक करके हम इन लोगों की भी बातें हम रखेंगे। लालू और नीतीश की बढ़ती दूरी ने राज्य की राजनीति को जटिल बना दिया है। लालू ने जिस तरह से नीतीश के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हैं, उसे तेजस्वी को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए लालू की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।